हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ये है मोदी का न्यू इंडिया, जहां आतंक की आरोपी सांसद बन सकती है और गोडसे देशभक्त। निधि राजदान की मंतव्य। मालेगांव बम धमाके की आरोपी और भोपाल लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने अब महात्मा गांधी के हत्यारे नाथुराम गोडसे को ही देशभक्त बता दिया है। प्रज्ञा ने ये बात कमल हसन ने गोडसे को हिंदू आतंकी बताए जाने वाले बयान पर पलटवार करते हुए कही है। चुनाव प्रचार के दौरान साध्वी प्रज्ञा ठाकुर से पत्रकारों ने सवाल किया कि कमल हसन ने नाथुराम गोडसे को हिंदू आतंकवादी बताया था, इस बारे में वो क्या कहना चाहती है। इस पर प्रज्ञा ठाकुर ने कहा, नाथुराम गोडसे देशभक्त थे, देशभक्त है और देशभक्त रहेंगे। उन्हें हिंदू आतंकवादी बताने वाले अपने गिरेवान में झांक कर देखे। अब की बार चुनाव में ऐसे लोगों को जवाब दे दिया जाएगा। साध्वी प्रज्ञा के इस विवादित बयान पर पत्रकार निधि राजदान ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्विटर के जरिए कहा, कभी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन आएगा जब गोडसे को देशभक्त बताया जाएगा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, लेकिन ये न्यू इंडिया है। एक आतंकी आरोपी सांसद बन सकता है, महात्मा गांधी का हत्यारा देशभक्त कहलाता है, ये बीमार है। बता दें कि अभिनेता से नेता बने कमल हसन ने महात्मा गांधी की हत्या करने वाले नाथुराम गोडसे को आजाद भारत का पहला हिंदू आतंकी बताया था। उन्होंने तमिलनाडु में चुनाव प्रचार करते हुए कहा था, आजाद भारत का पहला आतंकवादी एक हिंदू था और उसका नाम नाथुराम गोडसे था। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर कई सारे मुस्लिम मौजूद हैं। मैं महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने खड़े होकर ये कह रहा हूँ। गौरतलब है कि साध्वी प्रज्ञा जब से भोपाल से बीजेपी की उम्मीदवार बनी है, तब से वो लगातार अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में है। इससे पहले उन्होंने मुंबई हमले में शहीद हुए एटीएस चीफ हेमंत करकरे के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उनके विवादित बयानों के कारण चुनाव आयोग कई बार उनके चुनाव प्रचार करने पर रोक भी लगा चुके हैं। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।